Assalamu alaikum everyone, this is Mahira Khan. If you like this video, please share and comment. And of course, subscribe to Rewind with Samina Pirzada. रिश्तों को मजबूत बनाने बातों बातों में समझाने किरणों किरणों पाओ धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह बेपरा नई सुबह एक नई सुबह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम घर में बैठे हुए सब लोगों को भी आप सबको भी मेरे तमाम क्रू को सारी दुनिया में वो लोग जो कि हमें देख रहे हैं 2018 बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि ये साल आपके लिए खुशकिस्मती का खुशी का सुकून का मज़े का साल हो जिसमें आपकी सारी वो ख्वाहिशात पूरी हों जो आपने इस साल के लिए प्लान की हुई हैं और ए प्लस यूरोप के नाजरीन वैसे तो हमसे एक दिन पहले अपना साल जो है उसका आगाज कर चुके हैं लेकिन मेरी आपसे चूंकि आज मुलाकात हो रही है तो आप लोगों को भी 2018 बहुत बहुत मुबारक हो नया साल हमेशा से मुझे ना एक बड़ा जबरदस्त सा वाकया याद आ रहा है कि नया साल में कुछ ऐसा खास नहीं होता जो उसे नया बना दे उसमें नयापन हमारे अपने अंदर होता है उसी पुराने हम को उसी पुराने मैं को जब हम बदलते हैं तो वो साल हमारे लिए नया हो जाता है वो साल हमारे लिए खूबसूरत हो जाता है कहते हैं कि एक बुजुर्ग था एक शख्स था और उसके बेटे थे और वो उनको समझाना चाहता था जिंदगी का ये फलसफा कि वक्त की तब्दीली क्या असरात डालती है इंसान के ऊपर सो उसने सोचा ये कि इनको कैसे सिखाया जाए जब वो बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पे था उसने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया उसने कहा अच्छा तुम जाओ एक काम करो कि एक दरख्त है वहां पर उसे जगह बताई वहां जाकर उस दरख्त को देख के आओ कि वो कैसा है एक बेटा गया तो उस वक्त अभी बाहर के दिन थे वो जाकर उसे देख कर आया उसने आके बताया जी फूल लगे हुए हैं पत्ते हैं हरियाली है उस पर परिंदे चहचहाते हैं वो एक खूबसूरत सा दरख्त है वो वापस आया तो सबने उसकी बात सुनी अच्छा कुछ अरसे के बाद जबकि मौसम जरा तब्दील हो चुका था तो बाप ने अपने दूसरे बेटे को कहा कि जरा दोबारा जाओ और जाकर देख कर आओ कि वहां पर एक दरख्त था वो कैसा है वो गया तो उसने आके बताया जी वहां पर तो पतझड़ है पत्ते गिर रहे हैं उदासी का माहौल है और बड़ा ही अजीबोगरीब सा सीन है अच्छा उसने कुछ देर और इंतजार किया वापस उसने भेजा बच्चे को तो सर्दियां थी तो उसने कहा जी टुंड मुंड एक बेआब हो गया दरख्त खड़ा है ना उस पर कोई परिंदा है ना कोई फल है ना वो बिल्कुल फजूल सी कोई एक चीज है कोई उसमें देखने वाली चीज है सो उसने फिर अपने चौथे बेटे को भेजा जबकि बाहर का आगाज हो रहा था उसने कहा कोबले फूट रही हैं उस दरख्त को देख के जिंदगी का एहसास होता है सो उसने अपने सारे बेटों को बुलाया और उन्हें बुला के कहा तुम्हें पता है जिन मुख्तलिफ चीज़ों को तुम बयान कर रहे हो वो मुख्तलिफ दरख्त नहीं है वो एक ही दरख्त है जो कि साल के मुख्तलिफ मौसमों के उतार चढ़ाव में उसके मुख्तलिफ रंग रूप रहे सो जिस तरह से एक दरख्त या कोई एक चीज़ है उसके ऊपर वक्त मुख्तलिफ तरह से असरअंदाज होता है हम सबके साथ भी होता है हो सकता है कुछ महीने बहुत अच्छे रहे हों कुछ दिन कुछ महीने कुछ हफ्ते ना बहुत अच्छे हों कुछ ऐसे हों जिसमें हम दरमियाने दरमियाने हों बस अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमने अपने आप को उस महीने में उस साल में उस वक्त में कैरी कैसे किया सो ऑल द बेस्ट और हम ऑल द बेस्ट कहेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को भी इसलिए 2017 पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत जबरदस्त साल रहा इसमें बहुत सारी नई फिल्म्स आईं और इसी तरह से एक खूबसूरत और नई फिल्म के साथ आगाज हो रहा है 2018 का भी जो कि आएगी ऐसे वक्त पे जब नया साल शुरू होगा और ये फिल्म जो है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सा खूबसूरत तोहफा दे के जाने वाली है इसलिए कि अगर इस फिल्म की हीरोइन की बात हो तो खूबसूरती का ऐसा मुंह बोलता सबूत कि जैसा किसी के तखयल में बसी भी कोई खूबसूरत सी महबूबा का कॉन्सेप्ट जुल्फे हसीन ऐसी कि सबको अपना असीर बना लें अदाएं ऐसी कि हर किसी को अपना गर्विदा बना लें चाल ढाल ऐसी कि कोई देखे तो दीवाना बने बगैर रह ना सके वो बनी हुई एक ऐसी हीरोइन है जो जहां पर जलवा दिखाती हैं वहां पर हिट हो जाती हैं अदाकारी की तो आसमान की बुलंदियों को छू लिया और फिर उसके बाद अब फिल्म प्रोडक्शन का सिलसिला बड़ी खूबसूरती इसकी नजरें बहुत खूबसूरत हैं इसलिए कि हम सबको आप बहुत ही खूबसूरत नजर आती हैं अच्छा हम जिस फिल्म की बात करें भाई थोड़ा सा कुछ उसके बारे में तो बताओ मैं हरीन इसलिए कि माशाल्लाह से ये दूसरी फिल्म है हरीन की एज प्रोड्यूसर पांच जनवरी को आ रही है नए साल का नया तोहफा आप लोगों के लिए सारों के लिए पर्ची नाम है
बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत दिल से बनाई है और बड़े अरसे में बनाई है. एक्चुअली सोचा बहुत पहले था इसके बारे में. शूट हमने और पूरा प्रोडक्शन सारा एक साल में कंप्लीट हुआ. एक साल का टाइम पीरियड होता है प्री प्रोडक्शन से लेके शूट और पोस्ट प्रोडक्शन रिलीज डेट तक, एक साल होता है. लेकिन सोचा हमने बहुत पहले था. हाँ, दिस यू राइट. जब भी वहरीम से मुलाकात हुई तो आई ऑलवेज केम टू नो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पाइपलाइन पे है, जिसपे काम हो रहा है, जिस पे सोचा जा रहा है. ये वो फाइनली वो कहते हैं ना, एक प्रोजेक्ट होता है जो बहुत क्लोज होता है पूरे आपकी पूरी टीम के साथ बहुत. तो वो एक ये आई थिंक इनफैक्ट इमरान अज़र काज़मी द मेन पर्सन बिहाइंड दिस, हुज़ द डायरेक्टर, हुज़ द प्रोड्यूसर, मेन प्रोड्यूसर. अच्छा, ठीक है. हुज़ माय पार्टनर एज वेल, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे भाई की तरह बिल्कुल. उन्होंने वो और असफर जाफरी, इन्होंने दे के मप द कॉन्सेप्ट पर्ची का बहुत पहले बनाते कि चार दोस्त एक मुसीबत में फंस जाते हैं, ठीक है, और वो इवॉल्व करते 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 पर्ची तक चला गया कि पर्ची जो भत्ते का सिस्टम है हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में शुरू हुआ था, ठीक है, कि किस तरह यू नो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने शॉर्टकट करना शुरू कर दिया था कि नकली पर्चियां भी देना शुरू कर दी थी. उस चक्कर में इतनी जिंदगियां बर्बाद हुई थी, इतने लोग बर्बाद हुए थे, कितनी डेथ्स हुई थी उस चक्कर में. तो वो इट्स अ कॉमिक टेक ऑन दैट, मजाहिया तरीके से बताया गया कि शॉर्टकट तो हम मान लेते हैं लेकिन हम ये भूल जाते हैं हम शॉर्टकट के चक्कर में अगलों की कितनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं. तो ये इसका एक मजाहिया तरीका है, कोई नॉट इन योर फेस मैसेज. बाकी एंटरटेनमेंट है, शुगर है, फैमिलीज के साथ आए, डिसेंट कॉमेडी है, एक्शन कॉमेडी है, कोई बात नहीं. कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो आई थिंक अभी आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन पाकिस्तानी सिनेमा में मैंने अभी तक ऐसे कैरेक्टर्स देखे नहीं है. अच्छा, हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं. लेकिन भाई आपके हीरो को बुलाना है इसलिए कि हीरोइन के बगैर, हीरो के बगैर हीरोइन अधूरी है और फिल्म भी अधूरी है. सो फिल्म में आप किसको ज्यादा ध्यान से गौर से देखते हैं, हीरोइन को या हीरो को? किसको मिक्स मिक्स मेलोडी आई है मुझे पीछे. लड़कियां लड़के जो है वो खामोश है, लड़के हीरोइंस देखते हैं और लड़कियां जो है वो हीरो को देख रही होती हैं. सो आप जिस हीरो को हम यहाँ पे बुलाने जा रहे हैं, शक्ल से उन्हें देखे ना तो जो हलीम कह रही हैं कि वो कॉमेडी कर रहे, देखने में नहीं लगता कि वो कॉमेडी करने जा रहे हैं, देखने में ऐसा लगता है बड़ा ही कोई ठाकुर का रोल उनका होगा, क्योंकि वो बल खाई हुई लंबी लंबी मूछे और दाढ़ी और उसके साथ साथ चेहरे पे एक बड़ा संजीदा सा एक्सप्रेशन, देखने में लगते हैं जैसे गैंगस्टर है लेकिन दिल के इतने नरम के दिल फेंक, और उनकी मूछें देखें तो सामने वाला बंदा जो है वो डर ही जाए. लेकिन जब बड़ी स्क्रीन और छोटी स्क्रीन पे आते हैं तो हमारे दिल जीत लेते हैं. डैशिंग हीरो मेरे साथ हैं अली रहमान. लगता नहीं है इन्हें देख के कि ये कोई एक्शन, कोई मार धाड़ वाला सीन या कोई रोल जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई रोल कर रहे हैं? ऐसा ही कुछ है, मार धाड़ एक्शन से भरपूर, थोड़ा है एक्शन है, कॉमेडी है काफी ज्यादा. मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो जैसा पिछली फिल्म में था. वो है जरा थोड़ा टफ सा है. पिछली फिल्म में तो आपका महलर बड़ा रोमांटिक, सॉफ्ट, रोमांटिक था, सॉफ्ट सा हीरो था, सबमिसिव सा कॉमिक था, कॉमिक रिलीफ ऑफ द फिल्म. तो इस बार मैं कॉमिक रिलीफ नहीं हूँ और हीरो, मतलब कि है कॉमेडी है उसके हर एक मूवमेंट में कॉमेडी है, मगर वो इंटेंडेड कॉमेडी होती है ना, वो नहीं है. अच्छा, लेकिन आज हम आपके साथ 2018 का आगाज कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी आप लोगों के साथ 2018 का आगाज कर रही है. एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो इस फिल्म की खूबसूरत म्यूजिक, इसकी कहानी और बहुत सारी और एक्टिविटीज जो हमने आपके साथ की, बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव फन. ठीक है, सो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे. जैसे छोटी पतली जो होती छोटी पतली छोटे क्लासी में होनी चाहिए ना. अच्छा, मतलब बड़ा डायमंड अब कहाँ से अच्छा लगता है. छोटा सुने लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है सोसाइटी बात. मुझे लगता है कि इज मोर वाइज, आप मतलब समझदार हैं चीजों के मामले में. और अच्छा, पर्ची कोई लिखी है? जो पर्चियां लिखते हैं ना मोहब्बत लिख के, तो बंदा फेंकता है किसी को फिर देखता है मिल गई उसको या उसके अब्बू ने उठा ली. नहीं, मुझे बड़ा डर लगता था ये करते हुए. अच्छा, हाँ, मुझे बड़ा डर लगता था कि कोई भाई आके मुझे फोन कर लेगा उसका, कोई कहेगी कि ये क्या नंबर है या कोई उनके घर में से. तो मैंने कभी हरकत नहीं की, कभी भी नहीं की. नहीं, मैं जिंदगी का मजा चखा ही नहीं कभी. नहीं, किसी ने आपको कोई आते जाते कोई पर्ची थमा दी मेरा नंबर? हाँ, वो कॉल मी. अच्छा, मगर मैंने कभी नहीं किया. मुझे डर लगता था कि किसी के भाई ने अगर मुझे कॉल कर लिया तो मैं फंस जाऊंगा, फिर मेरे माँ बाप को पता चल जाएगा और फिर वो मुझे
डांटेंगे। कितना क्या कहते हैं उसे, शरीफ बच्चा, नेक बच्चा, ताबेदार बच्चा। बाकी जी बिल्कुल हमेशा से जैसे होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। होना तो ऐसे ही चाहिए, मगर होता ऐसे लड़कियों नहीं। के साथ दोस्ती करने के दूसरे भी तरीके हैं। लाजमी है कि चीप से बने हैं। बच्ची फेंक के नहीं करनी बात, मतलब कि बात मुंह पे की जाती है, ये नंबर फेंक के नहीं की जाती है। या ठीक है, I think so, आप किसी लड़की को इज्जत देंगे, उसको जितनी इज्जत से बात करेंगे वो आपको उतनी इज्जत से बात करेगी। True. और आपसे ज्यादा बात करेगी। अगर आप छिछोरे की तरह बात करेंगे तो फिर वो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं आपको मिलेगी और आप में बस ठीक है। मगर मिलने का कोई सीन ना हो तब भी पर्ची लिखने पे नहीं बिलीव करते हैं आप के रुका लिखा। आप तो खैर SMS है। अगर मिलने का कोई तरीका नहीं है तो फिर आप दुआ करें, फिर दुआ करें, कुछ नहीं हो सकता। दुआ करें पर्चियों पे ना जाएं खुदा के लिए। ठीक है। अच्छा हरीम सेम क्वेश्चन, मैंने किसी को पर्ची फेंकी? आपने भी फेंकी हो? इम्तिहान में बंदा पर्ची बनाता है ना, वो जो मुझे नहीं, कभी यहाँ रखता है कभी यहाँ रखता है। मैंने एक दफा कोशिश की थी, मैंने कहा कि मतलब इस दफा तो मैं चीटिंग करके रहूंगी, मेरे पसीने निकल जाते थे। तो फिर मैं और कुछ दोस्त होते थे उनको कहती थी कि हाँ ठीक है डन, मैं ना तुम्हें बता दूंगी इस दफा। तो वो बेचारे मुझे बाहर आके मेरे से लड़ते थे क्योंकि वो मुझसे पूछ रहे थे, मुझे इतना डर लगता था कि मैं उनको बताती नहीं थी। मतलब कभी ऐसा हुआ बताती ही नहीं? पर्ची अपने पास है मगर निकालने की हिम्मत नहीं हो रही। हाँ, बंदे को पता हाँ, मेरे साथ बंदे को पता है कि ये सवाल हाथ पे लिखा था इधर। अच्छा, किसी को कुछ नहीं पता था, मैंने इतना तक मुझसे नहीं हुआ। अच्छा, कि मेरे पास मैं पूरा लिख के गई थी पूरा उसमें और वो इसी तरह पड़ी रही उसमें, पड़ी रही पेपर गुजर गया पूरा, वो नहीं निकालेंगे। अच्छा, होता ही नहीं था। सो देखने में तो मैं लगता है कि हरीम बड़ी दबंग सी एक खातून है, लेकिन ये डेयरिंग है ना इस पे। नो आई डोंट थिंक दिस इज डेयरिंग। चीट करना इज नॉट डेयरिंग। यस, वो अब आपने जितना पढ़ा है, अब आपने जितना किया उसी पे करें। हाँ। तो लेकिन अब वो करना पर्ची करके वो होता था कि यार निकालेंगे तो पकड़, अगर खुदा ने वास्ता पकड़ेगा तो उसके बाद जो बदनामी है ना इस चीज की, वो नहीं, उससे दैट इज नॉट वर्थ इट। ठीक है, इससे बेहतर है पढ़ लें यार थोड़ा सा। बिल्कुल सही। सो किसी किस्म की पर्ची जो है वो जिंदगी में नहीं चली है कभी काम लेने के लिए, कोई किसी से एंटर जब हो रहे हो अली, आपने आपका तो करियर बड़ा जबरदस्त सा स्टार्ट हुआ। करियर में नहीं, कभी नहीं करियर में। मैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक अभी हूं खुद पहुंचा हूं, किसी की मदद मुझे नहीं, कभी किसी पर्ची पे डिपेंड नहीं किया कभी। हरीम आप प्रोड्यूसर भी हो, कई लोग पर्चियां लेकर आते तो होंगे ना कि हमें भी कोई थोड़ा सा ये मैं भेज रहा हूँ इनको कोई जगह दे दी जाए। I think हमारी सोसाइटी ऐसी है कि आप जानने वालों से काम निकाल लेते हैं कभी कभार कि ओ मेरा जानने वाला फलां जानने वाला यहाँ है तो फलां जानने वाला वहां है। I think गलत वहाँ होता है जहाँ आप किसी का हक मार के काम करते हैं। आपके यू हैव कनेक्शन, आप लोगों को जानते हैं, आप कर लें काम, लेकिन किसी दूसरे का हक मार के ना काम करें, गलती वहाँ है। बिल्कुल सही, डन। अच्छा, हमने ये किया है कि हमने कुछ रेजोल्यूशंस पहले से सॉर्ट आउट कर दिए हैं आप लोगों के लिए जो 2017 के उसमें लिखे हुए, आपने इनमें से अपनी मर्जी से पिक करके 2018 के अपने गोल्स, टारगेट्स, ड्रीम्स, जो भी आपने प्लानिंग्स हैं वो शेयर करनी है ताकि हमें पता चले कि आप 2018 को कैसे देख रहे हैं। अली रहमान का 2018 कैसे होगा और हरीम फारूक का 2018 कैसा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो म्यूजिक हम चलाएंगे फिल्म का और हम देखेंगे कि हमारे दो हीरो एंड हीरोइन जो हैं वो 2018 के बारे में क्या परसेप्शन है उनकी और क्या प्लान्स हैं उनके, क्या ड्रीम्स हैं उनके। चले जी। तो हरीम आप बताएंगे, यहाँ पे आई हरीम ने कौन कौन सी पर्चियां जो है वो 2018 के लिए उठाई है। पहली पर्ची है सिनेमा बनाना। सिर्फ 2018 नहीं, मेरा एक मानना है कि हर साल में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इस साल में नहीं ये करना है। हाँ। वो होता है कि अब इस साल ऑनवर्ड्स आगे लॉन्च करने में है। सो सिनेमा बनाना आई थिंक बनाना चाहिए, अब मैं सोच रही हूँ बना लेना चाहिए। ग्रेट, वाह वाह वाह। आई थिंक वी शुड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दिस एज वेल, क्योंकि
मार्केट बढ़ रही है, हमारे सिनेमा की फिल्म की ग्रोथ तभी है जब सिनेमाज बनेंगे. और आई थिंक वी शुड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू दैट एज वेल. सो 2018 में हमारा एक और सिनेमा खुलने वाला है. नहीं, ये पता नहीं, ये कंफर्म नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर. और बिजनेस प्लानिंग में क्या शामिल है? मजीद और सारे प्रोडक्शन, टीवी भी इंशाल्लाह, एब्सोल्युटली, और फिल्म्स भी. और 2018 में हमें बहुत सारी नई हरीम फारूक की प्रोडक्शंस जो है वो मिलने वाली है. थिएटर दोबारा करना है? थिएटर दोबारा करना है. 14 अगस्त से शुरू होने वाला सफर जो है वापस बैक टू थिएटर इज माय, मतलब आई थिंक मेरा पहला प्यार है थिएटर. शुरुआत वहाँ से की और थिएटर से बेहतर कोई चीज़ नहीं दिखती. अफसोस इस चीज़ का होता है कि थिएटर एक बूम पे आया था और अब फिर वापस क्या कहते हैं, मर तो नहीं रहा लेकिन कम होता जा रहा है. आई थिंक इट्स टाइम कि थिएटर को अब ज्यादा रिवाइव किया जाए. तो थिएटर आप करेंगी? 2018 में हरीम फारूक हमें थिएटर पर दोबारा नजर आने वाली है. जी ग्रेट, इंशाल्लाह होपफुली. प्रोड्यूसर तो आप हैं, तो उसमें मजीद और क्या होगा? बस ये तो लॉन्ग करते रहना है, अब करते रहना है. तो मजीद फिल्म्स भी आने वाली है 2018 ऑनवर्ड्स. ग्रेट. ये मैंने इसलिए लगाया है, ये मेरे हर साल की रेजोल्यूशन होती है. मेरी आवाज़ तो इस वक्त मत जाइएगा, मैं बहुत बुरा गाती हूँ, मैं इससे ज़्यादा बुरा गाती हूँ जितना बड़े साउंड कह रही है इस वक्त. लेकिन ये मैं हर साल सोचती हूँ कि मैं गाना सीखूँगी और मुझे कुछ सिखाता भी नहीं होगा तो वापस मेरे खुदा के लिए बहुत बुरा गाती हूँ. ठीक है, कहती लेकिन सीखूंगी इंशाल्लाह, दुआ करें हम सारे. बिल्कुल सही. ये क्या लिखा आपने? फिल्म से ब्रेक? फिल्म से नहीं, फिल्म काट के मैं हमें ब्रेक लिखने लगी थी क्योंकि मैं ये मेरा वाहिद रेजोल्यूशन है, मुझे इस साल वेकेशन पे जाना है, सोच लिया मैंने. ये रेजोल्यूशन कहीं भी नहीं है? शादी, अभी शादी रेजोल्यूशन में नहीं आती मेरी, वो मैं कहती हूँ कि वो अल्लाह के हाथ में, जब जिससे जहाँ होनी हुई हो जाएगी. शादी शादी औलाद और मौत सब अल्लाह के हाथ में, ये तीन चीजें हैं. ये तो बाकी सब अल्लाह के हाथ में, लेकिन ये वो तीन चीजें जो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते. लेकिन कोई बंदा टाइम पीरियड लिखता ना कि यार इस साल ऑनवर्ड्स इसके बारे में फायदा ही नहीं, अल्लाह मियां के वो अल्लाह मेरे बता देने कब होनी है. ओके, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ? प्यार फैलाए. ओके, प्यार फैलाए. और ये मकसद है मेरा कि हमारी जिंदगी में ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नफरत है, ओवरऑल दुनिया में भी देखें इतना कुछ बुरा हाल हो रहा है. तो हम जितना प्यार फैला सकते हैं उतना प्यार फैलाएं. ठीक है, हम लोग ना आपस में लड़े झगड़े, ठीक है, एक दूसरे के साथ. मैं समझी, मैं समझ रही थी ये हीरो हीरोइन वाले प्यार की बात हो रही है कि वो अच्छा नहीं, मतलब तो सारे सब प्यार सबके लिए. ठीक है, और इंटरनेशनल जबानें सीखनी? सीखनी है, लाजमी सीखनी. हर साल मेरे रेजोल्यूशन में होता है. कौन कौन सी जबानें जो सीखने का ज्यादा शौक है? ज्यादा शौक है फ्रेंच, मैंने थोड़ी बहुत सीखी थी, मैं भूल गई हूँ. ठीक है, चाइनीज का दौर, चाइनीज मेरे अब्बा मैंने कब से कहे थे खुदा के चाइनीज सीख लो, मैं अब गई थी तब प्लीज चाइनीज सीख के क्या करना है, अब अफसोस होता है, सुनना करें माँ बाप के खुदा के लिए. तो डायरेक्टर भी बन रही है इंशाल्लाह, नॉट दिस ईयर बट यस इज वन ऑफ द प्लान्स, इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली इन द नियर फ्यूचर. बहुत है अभी सीखने को, लेकिन करना जरूर है. बिल्कुल सही, वाह ग्रेट. अरे आप आइएगा, ये आपकी इंस्पिरेशन है कि अली रहमान ने ये सारी चीजें भर ली. तो मोहब्बत की शादी करोगे इस साल? वरना टोटल इन्होंने तीन चीजें पिक की हुई थी. वाह वाह वाह. लेकिन मोहब्बत की शादी अरेंज करनी है. अरेंज किसी के लिए? किसी के लिए. ओह वाओ, दैट्स सो नाइस. मैं चाहता हूं कि मैं किसी के लिए अरेंजमेंट करूं. ओह क्यों, पता नहीं, दिल चाहता है. मोहब्बत की शादी होगी लेकिन होगी अरेंज. अरेंज मेरी नहीं, किसी. सो 2018 में हमें ये एक खबर सुनने को मिल सकती है. नहीं कि मैं किसी की मोहब्बत की शादी अरेंज करवाऊं. अगर कोई मोहब्बत करता है और उनको मुश्किलात पैदा हो रही हैं तो मैं अरेंज करूं उनका मिलन, शादी और उनका मिलन फैसिलिटेट. अगर किसी की मोहब्बत को मुश्किलात का दो चार है तो उसको भी मिलाने वाले. हाँ अगर उनकी लड़ाई होगी तो I'll step in and you'll ruin it. Well, just anyway. अच्छा ठीक है, ये ज़बानें सीखनी है आपने भी? मैंने भी ज़बानें सीखनी है और सीख रहा हूँ. अच्छा सीख रहा हूँ जी. कौन सी? जर्मन. जर्मन, वाह मुश्किल ज़बान आपने सिलेक्ट की है. जी मैं मुश्किल चीजें पसंद करता हूँ. अच्छा मुश्किल पसंद. नया घर खरीदेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो यह है, ड्राइव है. क्योंकि एक घर जो है ना, आपका एक घर आपका बेस होता है. ठीक है, ठीक है. और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका बेस सॉलिड हो ना, आपके पास एक अपना घर हो कहीं भी दुनिया में, आप सुकून में रहते हो, तो आपके पास जो भी हो जाए एटलीस्ट आपके पास घर तो है. मगर अली घर तो आपने बनाया ही नहीं, घर तो बेगम के आने से बनता है.
अभी तो हम मकान खरीदेंगे, खुद भी बना सकता हूँ, बड़ा अच्छा बना सकता हूँ और मेहमान भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो बेगम के आने से हाँ मैं रौनक हो जाती है। वो होम की बात, वो होम मेकर्स होती हैं, होम स्वीट होम की बात। पर मैं आई थिंक औरतों को ऐसी या बेगमों को ऐसे कन्वेंशनल तरीके में देखता नहीं हूँ कि उनके आने से ही घर बन जाए, बल्कि हाथ बटाने से घर बनता है। ओके ग्रेट, नई स्पोर्ट्स कार रंग क्या होगा? वेल येलो, येलो 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 कलर की स्पोर्ट्स कार नहीं, था रेड येलो होगी। हरीम ने भी रेड कहा, मेरी जन में भी रेड था। नहीं नहीं, मेरा येलो। अच्छा येलो होगी, ग्रेट। अच्छा बॉलीवुड फिल्म भी करनी है? बॉलीवुड फिल्म मैं इसलिए ले लिया कि मैं इंटरनेशनल फिल्म बेसिकली पाकिस्तान से बाहर कोशिश करनी है कि पाकिस्तान भी काम चलता रहे, मगर ये एंड गेम नहीं होनी चाहिए। हर एक बंदे को सीखने के लिए दूसरे इंडस्ट्रीज में भी काम करना चाहिए कि अपनी लर्निंग हो ज्यादा। मैं मेरा बड़ा एक वो है। आप प्यार भी करने वाले हैं इस साल? हाँ, प्यार जैसे हरीम ने कहा, इसके इससे इंस्पायर होके मैंने कहा कि प्यार बढ़ाना चाहिए। मैंने कहा ना, प्यार बहुत कम है, नफरत बहुत ज्यादा है। एक दूसरे से प्यार करना चाहिए हम लोगों को, और जब तक प्यार नहीं होगा तो नफरतें कम नहीं होगी। ठीक है, और बस यही है। नंबर चेंज करने का क्या मतलब हुआ? हाँ, बहुत लोगों को पता चल गया। I know, I want to change. मेरा इतना अच्छा नंबर है, मगर अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। Sorry. नहीं, जोर से भी है, बहुत पुराना। Oh, well. आप भी थिएटर में दोबारा जा रहे हैं? जी, मैं इधर। और ये आइटम सॉन्ग से ब्रेक का मतलब क्या हुआ? हमें आइटम सॉन्ग से ब्रेक चाहिए, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को आइटम सॉन्ग से ब्रेक नहीं चाहिए, चाहिए हमें नहीं चाहिए आइटम सॉन्ग। अच्छा, प्लीज आइटम सॉन्ग मत रखें फिल्मों में। आइटम सॉन्ग चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, तो तालियां इस पे नहीं। जो सिचुएशनल जिस फिल्म की सिचुएशन पे अगर गाने बने, ठीक है, तो उनमें क्या गलती है? आइटम सॉन्ग्स का होना लाजमी है। ये तो हमने ट्रेंड उठा लिया है और ये बन गया है, ठीक है, बट एक तो हम सही नहीं कर सकते और उस गलती में भी गलत करते हैं। आइटम सॉन्ग पे ब्रेक नहीं दी जाती है। डायरेक्टर भी बनना चाहता हूँ, थिएटर दोबारा करना चाहता हूँ, मैं सिनेमा बनाना चाहता हूँ। आप दोनों सिनेमा बनाने में पार्टनर होंगे क्या, कि कॉम्पिटिटर्स होंगे? तेरे उन्हें एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। कॉम्पिटिटर्स भी हुए ना, कॉम्पिटिशन अच्छी चीज होती है, लेकिन कॉम्पिटिशन में हम लोग क्या करते हैं, हम एक दूसरे को मानने की करते हैं। एक दूसरे को लेके चलना चाहिए, एक साथ चलना चाहिए, तो ग्रोथ उसी में। अरे वो है जिन पे कि आपने हिट करना। अच्छा अली, मुझे लग रहा है कि आप तो खासे शिकारी भी हैं। मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा, सो हंटर हंटर मैं ऐसा कह रहा हूं कि मुझे बस वो आप सारे पकड़ा दो, मैं बीच बीच में मारता हूं। अच्छा गुड, सो ये कब से आपके अंदर मौजूद है? एक शख्स सो लेट्स सी कि पर्ची में क्या निकला है। एक और देंगे आप लोड करके हमें गन, जब तक कि हम अपनी पर्ची को डिस्कवर करें। कैमरे पे दिखाएंगे आप कि पर्ची में लिखा हुआ क्या है। सो मीरा की एक्टिंग करें। मीरा की एक्टिंग करें, फिल्म स्टार मीरा। कौन है मीरा? कौन है मीरा? हमारी बहुत मशहूर फिल्म स्टार है। अच्छा, हाँ। इमेजिन फॉर अ मिनट क्या चीज़ कि आपका जेंडर चेंज हो गया है। फाटो काफी फाटो फाटो फटो 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 फोटोग्राफी फटो। हरीम योर टर्न अगेन। सर लेकिन लाइन वही वाली है, दरमियान वाली, जिसको आपको हिट करेंगी। हरीम, जब आप गन पकड़ती हैं तो लगता है कि बस कुछ और ही होने वाला है। गन पकड़ के ऐसा लगता है गंद होने वाला। हाँ, लेकिन जब निशाना लेती है तो बंदा हैरान हो जाता है। यकीन माने मैं भी उतनी हैरान चल रही। डायलॉग बोलना है पूरे इसके फ्लेवर में। नवा है सोनिया। What does that mean? नवा है सोनिया। एक दफा फिर पूरे फ्लेवर के साथ। तो मेरी मूछ नहीं है ना, मैं भी तो नवा है सोनिया। अली कौन से बलून को टारगेट करने वाले? ये छोटा वाला।
अली की जो पर्ची निकली है वो है, वो कहती है वो पर्ची, वाह 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 वाह, शुक्र है ये हरीम पे नहीं निकल आई। कुछ नहीं। वाह भाई वाह, ब्यूटीफुल, मजा आ गया। लेकिन अब कुछ सवाल मैंने आपसे टेढ़े मेढ़े करने हैं। मैं खाली कर देता हूँ ना। अच्छा वाह, क्या बात है, पर्ची निकलेगी वो करना पड़ेगा, पर्ची भरा हुआ तो नहीं रखने, ये लेना सर, मिस ना हो जाए कहीं गलती से। सो पर्ची, एक और पर्ची, एक और पर्ची निकली है। हरी में से आपने गरम अंडे बेचे, गरम अंडे, गरम अंडे, गरम अंडे कैसे बेचते हैं, तुमने सुना नहीं कभी, ट्रेन पे गरम अंडे ले लो, गरम अंडे ले लो, सो गुड। इन्होंने कर लिया, ये आपकी जगह, नहीं 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 हमने अली आवाज में सुना, अंडे गरम अंडे ले लो, एक अंडा दो अंडा गरम गरम अंडा, अली तो ऐसे, ये लो गरम अंडा, एक अंडा लो दो अंडा लो, खाओ भी चलो। ये इस मौसम का सबसे हिट आइटम है और ये सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली आवाज होती है। मैं बहुत खाता था, खाता था हिसाब में, मैथ्स में, एग्जाम्स में, जिम के लिए ना, वो दिन के सुबह में हर सुबह 5 एग व्हाइट्स तो लेता था। ये कितने अरसे पहले की बात है, अब साल हो गए, अब से ये नहीं है। नहीं वो इंजरी आ गई थी ना, तो हाँ। मैं फिर जिम नहीं जा रहा था तो फिर मैं क्या फायदा, मनहूस लगते हैं मुझे। ठीक है जी, कुछ सवाल आप लोगों से करने और उसके लिए आपको कुछ बोर्ड्स दिए गए हैं, हरीम अली, और उन बोर्ड्स के ऊपर हमने दो ऑप्शंस आपके लिए दी हैं, या हाँ या कभी नहीं। ठीक है, तो जो सवाल है वो थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, बिल्कुल नहीं, तो उसमें जवाब दे देता। पहला सवाल ये है, जिंदगी में कभी प्यार किया है? थैंक यू वेरी मच। जिंदगी में कभी प्यार किया है? मैं कंफ्यूज्ड हूं इस मामले में। अच्छा, हां प्यार तो मैं कितना, हर किसी से प्यार करना चाहिए। अच्छा, प्यार किया है, सही, ग्रेट। अच्छा, क्या कभी प्यार में किसी का दिल तोड़ा है? एज इन मतलब किस तरह, जान पूछ के या गलत के, अब इट्स नॉट इन योर हैंड्स, जान पूछ के कभी नहीं तोड़ा, लेकिन हाँ टूटा है किसी, जान पूछ के तोड़ा है, आपने जान पूछ के तोड़ा है, या दैट्स की स्ट्रोक फॉर हम सबसे होता है, कभी किसी ने आपका दिल तोड़ा है प्यार में? जी, कभी किसी ने प्यार में आपका दिल तोड़ा? पत्थर जैसा दिल। अच्छा ढीठ। अच्छा फिर एक गाना है, सजना तेरे प्यार में सारी सारी रात जागे, कभी हुआ सारी रात जागते में गुजरी है, टहलते में किसी के साथ, वो जो है ना टेंशन में, उसके लिए मुझे कतन प्यार की जरूरत नहीं, मैं वैसी सारी रात जागी रहती हूँ, रात में नींद, लेकिन प्यार में, प्यार में, प्यार की टेंशन, इश्क वाला लव नहीं हुआ। अच्छा, कभी किसी ब्रेकअप के बाद किसी को 2-3-4-5 महीने के बाद कॉल की हो दोबारा से और कहा हो सॉरी, लेट सॉरी बोला हो? कभी नहीं, कभी नहीं, ब्रेकअप तो ब्रेकअप, डन इज डन, डन इज डन, ओवर, फिनिश। वाह, गुड, ग्रेट, ताली बजाओ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑनेस्ट, आपने दोनों ने बड़े ऑनेस्टी के साथ हमें जवाब दिए। ब्रेक एक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। मेरे दाएं बाएं खड़ी है इस वक्त हरीम फारूक और अली रहमान, हीरो एंड हीरोइन, एंड हरीम आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। सो अब हमने प्रोड्यूसर के हाथ का और हीरोइन के हाथ की बिरयानी वर्सेस हीरो के हाथ की बिरयानी, हम देखते हैं दोनों में से कौन ज्यादा टेस्टफुल है व्हेन इट कम्स टू, कौन फूडी ज्यादा। वैसे शुरू कर देंगे हम बातें, हम बहुत सारी गप्पे मारने लगे हैं, बिरयानी बनानी है।
ये मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ हमारे को स्टार मोजेस हसन को जो बिरयानी मास्टर हैं, बिरयानी किंग हैं। बस डन, मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने माँ बाप को जो कितने खुश होंगे कि आज मैं चूल्हे के पीछे गई। फाइनली। अच्छा वाकई हरीन, चूल्हे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं? मुझे, मैं बहुत कम कुक करती हूँ, मुझे तुक्के में बनाती हूँ। अच्छा, so we'll be honored to have biryani. By the way, ये बहुत अच्छा cook करता है, he's a very good cook. मुझे अंदाजा हो रहा है उनके skills. शुरू करें, चावल भीगे हुए, चावल भी आपको उबालने हैं और सारा मसाला भी आपको बनाना है। चावल से आप कम भी डाल सकती हैं हनी, मुझे तो पता नहीं कितने, जितने भी हैं बस इतने काफी। आप चाहे तो कम, कम डाल, चाहे तो ज्यादा हो सकते हैं, आप चाहे तो कम हो सकती हैं। तो आपने चावल डाल दिए, अब क्या शुरू करने लगी हैं? अब मैं प्याज, बिरयानी का मसाला शुरू होने लगा है इस पे इतना, ओहो थोड़ा सा जल्दी से, ये मैं बता रही हूँ क्या प्याज लगेगी। ऑडियंस की हेल्प, अच्छा ऑडियंस की हेल्प नहीं, तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, वैसे ही बातें कर रहा हूँ मैं, और ऑयल डाल के अब इसमें हरीम क्या डालेंगी? प्याज। अली रहमान जो है वो आपसे बहुत आगे जा रहे हैं। अली रहमान इज सच अ गुड कुक, क्विक गुड, अली जल्दी। अली ने क्या डालना है इसमें? ऑयल, ऑयल ग्रेट, कितना? बस बस, ओके व्हाट एल्स? ये तो आपने पाकिस्तानियों की तरह ऑयल डाला है ना, तो आप ऐसे गोरों की तरह डालते हैं? जी मैं तो बड़ा कम कम, दो चम्मच। अच्छा जी, एक्चुअली ये पाकिस्तानी की तरह डालते हैं? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, ओके, गरम तो हो रहा है ना, बहुत गरम है तेल, अभी तो डाला है आपने। अच्छा हाँ, तेल को गरम होने में कुछ टाइम नहीं चाहिए होता, हमें एक आधा चम्मच चाहिए। अच्छा, ये तेल भी नहीं है, ये देसी घी है मुझे लगता है, इसमें ऐसी आ रही है। सो ये रहा आपका चम्मच, सही है ना, सब कुछ इकट्ठा? अली तुम्हें सारा इकट्ठा, ये रियल लाइफ में प्याज भूनते हैं, फिर टमाटर डलता है, फिर मसाला डलता है, फिर चिकन डलती है, फिर दही डलता है। अरे दादा सब चलता है, समझ नहीं है। सो प्याज फ्राई हो गया, बैंगन बहुत पसंद है मुझे, बैंगन बहुत पसंद है। बैंगन किसको पसंद होते हैं मुझे, मतलब भिंडी बैंगन। अच्छा, कद्दू, सब्जियों की शौकीन है? सब्जियों की नहीं, बहुत शौकीन। गुड ग्रेट, तो फाइनली हमारे यहाँ पर मैं सुपरवाइज करने आया हूँ, देखने आया हूँ कि है आप कहाँ से फारिग होंगे। अरे अरे क्या बात है, हरीम ने अब इसमें भी मसाला कौन सा डालने वाली है? मसाला आपके पास मैंने डालू है, मसाला मौजूद है इसमें, मैं सारे मसाले एक्चुअली साथ ही डालूंगा, मुझे नहीं पता ही कौन सा मसाला है। ये क्या है? ये हरा धनिया, हरा धनिया तो डालते हैं दादा, ये देखें ना कराची में ऐसे डालते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। ये तो व्हाट एल्स? अभी तो ये पहले इसके साथ भून देंगे ना हम। अच्छा ठीक है, फ्लेवर जरा जायका आने दें जरा, ओके। मैं चाहता हूँ कि टमाटर जो है ना पानी बन जाए, एक दफा टमाटर पानी बन गए वो देखे ना उधर क्या हो रहा है, मैं देख रही हूँ। आपको सबसे ज्यादा प्रेजेंट होना चाहिए किचन में, आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, इधर एक आंख, इधर एक आंख। अच्छा ये ऐसे ही चलेगा। तो हरीम ने बिरयानी मसाला डाल दिया, और हो रहा है जिसकी मजे की खुशबू आ रही है, और अब इससे पहले कि मसाला गल जाए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसमें चिकन ऐड करते हैं। वेयर इज द चिकन? बेसिकली टमाटर जो है ना पानी छोड़ रहे हैं, ओके, और ये तेल में पक रहा है। शेफ अली रहमान का किचन सेगमेंट, क्या मैं चाह रहा हूँ कि तेल बेसिकली पानी से थोड़ा अलग हो जाए ना। बिल्कुल सही, एंड देन यू विल ऐड, फिर आप इसमें चिकन डालेंगे? चिकन डालेंगे जी। देन डन, ठीक है, जबरदस्त। लॉन्ग बाद में, बाद में, बाद में, ठीक है, पर चिकन में हल डाल दें क्योंकि टाइम बाउंड है आप दोनों, और अच्छा आपसे आगे निकल रही है हजीम, मगर अगर आपको कच्चा खिला दें और आप फूड पॉइजनिंग हो जाए तो ठीक है, माफ कर देंगे। फिर खाने के शौकीन कौन नखरे ज्यादा करता है, कौन जाके वेटर को ना ऐसा टफ टाइम देने में कमाल नहीं, कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, बताओ ना, बिल्कुल आईडिया नहीं है। शेफ अली रहमान कौन करता है, वो कौन बंदा है जो आपसे बहुत मिलता जुलता है और शायद वो इसी तरह से करता है? आई थिंक पता है क्या, अली को अगर चाय ना मिले ना ठीक, तो सिर्फ वेटर नहीं, कोई भी किसी को वेटर ठीक ना मिले। अच्छा, और चाय का कोई खास क्राइटेरिया? क्राइटेरिया अली का बहुत ज्यादा, कैसी चाय होनी चाहिए? हाँ जी, चाय कैसी होनी चाहिए? चाय होनी चाहिए कड़क,
कड़क और मजे की। अच्छा, चाय में पत्ती ज्यादा, चीनी कम। मैं आपकी पर्ची आना बंद नहीं, नहीं मैं देख रहा हूँ कि लोग बातें क्यों कर रहे हैं आज। अच्छा। थोड़ी आंच ऊंची कर लेता हूँ वरना मजा नहीं आ रहा मुझे ना। वाह 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 वाह, क्या बात है। अब हम चिकन डाल ही लेते हैं, डाल ही लेते हैं। सो सारी की सारी रेसिपी जो है वो हमारी ऑडियंस इस वक्त चीट करवा रही है, पर्ची दे रही है मुसलसल अली रहमान को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके डालने वाले हरीम, तुम इतना कम अदरक डाल रही हो। हरीम बहुत आगे निकल गई है। हरीम मेरे ख्याल एंड में डलता है ना, ये चावलों पे डलता है। कोई मैं सोच रही हूँ चावल तो मेरे जो है मैं चावल। बस अली बस बस, मैं चाहता तो ज्यादा डाल सकता था मगर आपको बहुत कम डालना पड़ता है इसमें। इसको ढक देंगे हरीम, क्योंकि बिरयानी का जायका गल जाएगा। अब फिर हम इसे फ्राई करेंगे। ऑलरेडी आपने इसमें काफी चीजें डाल दी। कैसा है मसाला? मेरी बिरयानी बहुत मजे की है इंशाल्लाह। गुड, हल्दी तो होती ही है, अभी साथ ही डाल होती है ऑलरेडी, और नमक तो हमने 2 टीस्पून जो डाले हैं, शुक्र है नहीं डाले हैं। शेफ अली रहमान जो, अच्छा वो बोल रहे होते हैं ना, हम बातें कर रहे होते हैं जैसे ही चुप होते हैं तो शेफ भी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। नहीं मैं तो, और भी शेफ क्या चल रहा है, शेफ ने क्या अच्छा मसाला भुना है और वो आराम से अपना चिकन जो है उसको गलाने कच्चा में कच्चा है। मसरूफ है मसाला। कच्चे चिकन का मसाला नहीं टेस्ट करते क्यों? बिकॉज कच्चा है। हाँ बिकॉज कच्चा है, फीका भी है। अरे दादा फीका है इसमें क्या? तो आपने नमक बिल्कुल बुरा स्टाइल में डाला ना। वैसे अली आप देसी हैं या ज्यादा बर्गर टाइप है? ये चीनी है या नमक है? नमक है। मेरा चूल्हा ऑफ हो गया। ओके, ये अली की साजिश है, मिर्च अभी डालो, चूल्हा जलाओ जल्दी से। और मैं अब मिर्च डालना चाह रहा हूँ। ओके डन डन। हाँ रेड मिर्च में डालना चाह रहा हूँ। तो अच्छा रेड, हाँ ये जो बनवा रही है ना बिरयानी, हम आप ही को बुला के चखवाएंगे फिर। मतलब अली ने सारी बिरयानी जो है वो अपनी ऑडियंस की मर्जी ख्वाहिश एंड टू टेस्ट बनाई है। देखिए अगर उनके लिए बिरयानी बनानी है तो उन्हीं के मुताबिक बनानी है ना। मैं तो बिरयानी खाता नहीं हूँ, आपको मैंने कहा है चावल से परहेज करें। अच्छा तो ये बेचारे चावलों का क्या कसूर है? ये तो अभी बन रहे हैं ना। ठीक है, ब्यूटीफुल, क्या कंसिस्टेंसी है, ग्रेट। ये देखें, वाओ वाओ। तो पानी अभी सूखने में टाइम है। अच्छा। थोड़ा और उसको आंच ऊंचे करें या नहीं? नहीं नहीं ऊंची, इसको हम ऐसे ही रहने दें। ऐसे ही रहने दें, ठीक है, ऐसे ही रहने दें। अच्छा तो ये आप चावलों को भी ना, चिकन जो है वो चावलों को थोड़ा हिलाना पड़ेगा मुझे। ओके थोड़ा चेक करने के लिए, यस ठीक है, इतना है, गुड इतना। अब इसमें भी कुछ डालना पड़ेगा क्या? इसमें तो दही डालनी पड़ेगी ना। दही तो डालनी पड़ेगी। आप लोगों ने भी यही सोचा था ना? ओ तेरी, ये आपने मुझे लगता है थोड़ा वो कर दिया है, आंच ज्यादा कर दिया। मैंने आंच कम करने को कहा था मगर आपने चलो आंच कर दिया। दही डालेंगे हम, बिल्कुल दही डालेंगे हम। और अली के गुरु जो है कोई और पर्ची दे मजीद ताकि पता चले कि क्या होना है। So, Harim is done with almost chicken. Harim ने दही भी ऐड कर दिया है। चिकन ना खाता वो, पता नहीं किस तरह के चिकन। उधर से हमारा हमारा जो चावल है वो भी गल गए हैं। आप दोनों की अब तवज्जो चाहिए इसलिए कि हम चलाने लगे हैं यहाँ पे कुछ मुहावरे। मुहावरा है कौन सा मुहावरा ये दोनों? अंधों में काना राजा। वाह आपकी जहानत का टेस्ट है। अब मैंने इजी उर्दू ली थी बचपन में। अच्छा। मैंने भी और ओ लेवल्स में भी इजी उर्दू ली थी तो मैं इतना इजी उर्दू अच्छा में नहीं मगर चले मैं कोशिश कर। नेक्स्ट मुहावरा, सो नेक्स्ट देखते हैं। तोते में बच्चा तोता बच्चा बच्चा तोते जैसा तोतला बच्चा तोता हो तो बच्चा जैसा ये तो मुझे भी नहीं पता अगर क्या है। हरा तोता हो तो ब्लैक एंड व्हाइट बच्चा तोता अपने मुंह मियां मिट्ठू। अरे ये क्या है? अरे तो मुंह पे सो दूसरा मुहावरा भी ये आप तालियां की बजाय पढ़ के बताया इसने। हरीम ने सही जज कर लिया। नहीं मैंने पढ़ के बता पढ़ने में जज किया मैंने तुमने के चला दिया था इतना जल्दी। ओके थर्ड मुहावरा, थर्ड मुहावरा ट्रैफिक में बेबीज ले आओ मैं भी यही सोच रही
हलचल में बच्चे बच्चा बच्चा एक ही अच्छा बच्चा बड़ा हो गया पता नहीं क्या है रोडों पे मत बच्चों को छोड़े ये मुहावरा है ये एक बड़ा मशहूर मुहावरा है बच्चा रोड पर बच्चा रोड पर अगर बच्चा रोड पे चला गाड़ी मार देगी इस तरह तो क्या हम मान लें कि आपको नहीं आता और हम इसको दिखाएं 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 जी क्या है मुहावरा बच्चा बगल में डंडोरा शहर में तो इसमें वो क्या है बच्चा तो बैठा डंडोरा कहाँ पीट रहे हैं अच्छा वेरी गुड चलो नेक्स्ट मुहावरा कौन सा मैं तो बिल्कुल फेल हूँ इन चीजों में हाथ धोए पानी से गंगा बहती गंगा में हाथ धोए थ्री पॉइंट्स हरीम के अभी तक तीन पॉइंट्स हैं चलो जी नेक्स्ट मुहावरा कौन सा है धोती मत चुराना चोर एक चोर धोती का इनके जितना चोर धोती यार ऑडियंस हमारी जो है ये अली रहमान पे इतनी मेहरबान क्यों है आखिर क्यों मेरे सारे आपने एकदम से उनका दिल जीत लिया वो हरीम को चीटिंग नहीं करा हरीम को पर्चियां नहीं दे रहे उनको सारे टीम में कर ले रहे हैं वो ये देखा ना वो देख ही नहीं वो उधर देख रही है बलूनों पे सही चलो जी ये तो आपने चीटिंग करवा दी इसे यही था भागते चोर की लंगोटी से नेक्स्ट मुहावरा दीजिएगा अच्छा जी जी अली एक घोड़ा बुट्टी कोड़ी लाल लगाम आप लोग अगर आया भी तो मैं ये बोलूंगा नहीं अच्छा बहुत ही वो हो जाएगा जी जी अली कुछ ट्राई कर ले एक सही हो जाए गांधी हाँ धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का ऐसे दोनों बोले हैं तो दोनों में से किसका जवाब सही है हरीम का तालियां बजानी है और जिनका ख्याल है कि अली का यार फिर से बताएं कौन मतलब इन्हें कौन हुआ ये भाई यार लोग इतने धड़ल्ले से चीटिंग करते हैं मतलब वो खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं अली ने सही जवाब दिया चले यार अली वन लास्ट चांस वन लास्ट मुहावरा जी ये तो आना चाहिए अली रोज पेटलों में एक रास्ता घास का रास्ता घास पे लाल फूल आई डोंट नो दिल का रास्ता दिल का रास्ता है दिल से दिल को ओ वाओ रियली आप लोगों ने नहीं बताना सिख बाकी बड़ी स्मार्ट दिल को राह होती है ये असल में नहीं दिल से दिल को राह होती है नहीं ये मुहावरा नहीं आप लोगों ने चीटिंग करानी पर्ची नहीं देनी है मैं बता रही हूँ आपको दिल को दिल से राह होती है नहीं ये मुहावरा ये नहीं है अच्छा बाग बगीचा और बाग बगीचा बाग बगीचे में दिल नहीं आइडिया दे दिया ना तुम्हें प्लांट कर दिया मैंने उसी दिमाग में अब तुम नहीं अभी मुझे याद आया दिल दिया बाग में वाह कोई नजदीक नजदीक है आप बाग हाँ बागी दिल ओ गुड है इसका मतलब है दिल बाग बाग होना दिल बाग बाग सो लेकिन लेट्स क्लैप फॉर हरीम इसलिए कि हरीम ने लिंग्विस्टिक्स का जो टेस्ट है हमारा जबरदस्त तरीके से जो है उसे क्लियर कर लिया है और यहाँ पे हरीम ने अपना मसाला भी बहुत जबरदस्त भून लिया सो अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है मैं चिकन को हिला रहा हूँ अच्छा आप हिला रहे हैं और ये बड़े अच्छे तरीके से हिल रहे हैं हिल तो रहा है मगर अब इसने बिरयानी की शक्ल में आना है ना अब मैं इसे चख सकता हूँ और देख सकता हूँ कि मैंने किया क्या है ठीक है आपको मसाला मेरे ख्याल थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे देख के लग रहा है कि आपका मसाला कम है हरीम आप जीत सकती हैं ये सेगमेंट भी आपने सिर्फ डिश आउट करना है सारी चीजों को और मुझे समझ नहीं मैं क्या ऐड करूं क्योंकि बहुत अच्छा है अच्छा गुड ना मैं ये बिल्कुल वो है मैं इसमें ना ऐड कर दूं राइस आप इसमें ऐड कर सकती हैं
कर ले और थोड़े से राइस है उनके ऊपर आप गरम तो है नहीं मसाला डाला है स्प्रिंकल तो वो अच्छा हो जाएगी पहले तो डाला है अच्छा अगर आप लोग अगर अली को चीटिंग कराओगे ना तो फिर मैं हरीम का साथ दूंगी आप घर पे काफी बिरयानी बनाती हैं मैं हाँ जाहिर है उधर आ जाए ना वो कौन सा घर है जिसमें बिरयानी नहीं बनती हरीम नहीं अच्छा हो गई चले कोई नहीं हमारी बिरयानी डिश आउट हो रही है अली शेफ अली अरे और आप बहुत पीछे रह गए हैं थोड़ा जल्दी करेंगे आप भी अगर मोजेस ने ये बिरयानी देख ली ना रो पड़ेगा इतने इतना उसको हार्ट अटैक हो जाएगा तौबा अस्तगफिरुल्लाह सॉरी ये 2018 की बिरयानी पर्ची बिरयानी अगर ये बिरयानी है ना मैं पर्ची बिरयानी अगर ये बिरयानी है ठीक है तो मैं फिर तो ठीक है हरीम बस आप उसमें थोड़ा सा हम ये ग्रीन रंग डालेंगे और माशाल्लाह इन्होंने जर्दा रंग जो है वो ग्रीन कलर का दिया है हां व्हिच इज ग्रेट तो हम थोड़ा ये सा ये ग्रीन क्यों क्या है ये कलर ओ सो हालांकि हमारे पास बिरयानी का कलर थोड़ा सा उफ सो हियर वी आर हरीम की पर्ची बिरयानी तैयार है अब हमें इंतजार है अली की पर्ची बिरयानी का अली टाइम में तो आप हार गए के देखे आप टाइम में हार गए हैं लेकिन अब आई थिंक टाइम देखे ये पर्ची बिरयानी का मसला ही होता है कि पर्ची होती है ठीक है मजे की बिरयानी नहीं होती ये क्या है ये इसमें दूर करें इसे मसाला तो मजे का है चले ये क्या है ये कलर है जो कि बिरयानी में थोड़ा सा एक जर्दा रंग होता है एक कलर होता है ये तो मेरा वाला है हाँ लेकिन हमने वो हरी माला ही आप में डाली हम इसमें ये वाला डालेंगे मेरा वाला मेरा वाला ज्यादा बेहतर होना चाहिए एक ही चीज नहीं मम्मी ये ग्रीन है ये भी ग्रीन हो जाएगा ये ग्रीन हो जाएगा अच्छा हाँ इसको लाल नहीं होता नहीं ये मुझे नहीं आप डालें जरा यहाँ डाले लाल होना चाहिए मगर ये लाल है नहीं ये दे जैसे आप इसे डालेंगे वो ग्रीन हो जाएगा तो मेरी ऑडियंस जो है ना चलें अब आप इसको उसमें मिक्स करें ये चिकन तो पक्के होगा हाँ डन बिल्कुल तैयार है अब आप मिक्स करेंगे और जिन खवातीन ने पर्ची दिए ना अली को वो आके चखेंगी कोई पर्ची नहीं दी आप लोग खुश रहोगे तो अली डालेंगे आपके आप इसको उसमें डाल देंगे और फिर आप इसे डिश आउट करेंगे वेरी गुड सो शेफ अली ने बड़े एक्सपर्ट तरीके से उठाया बर्तन और उसमें उन्होंने अपनी बिरयानी को डाल दिया है मेकिंग के नंबर किसको देंगे हु विल गेट द गुड मेकिंग स्टाइल अवार्ड मेकिंग स्टाइल जिसने ज्यादा स्टाइलिश तरीके से बनाई है हरीम हरीम जो लगा हुआ है हां लेट्स वोट जिनका ख्याल है कि ज्यादा स्टाइलिश तरीके से बिरयानी पर्ची बिरयानी हरीम ने बनाई है जिनका ख्याल है कि अली रहमान की पर्ची बिरयानी हरीम को बता रही हूँ मसला यहाँ पे है लड़कियों की तादाद ज्यादा है मसला ये है कि हरीम हर जगह पे पर्ची जो है ना चलती है मिक्स करना होगा ना हाँ मिक्स करना है ना फिर निकालना है ना ओके ग्रेट लेट मी मिक्स सो ये हो गया मिक्स ये चावल हैं टूट जाएंगे टूटते नहीं हैं शेफ ये टूट जाएंगे दिल टूटता है अच्छा चावल भी टूटते हैं अच्छा हाँ आपने कभी टूटे हुए चावल खाए नहीं अच्छा मतलब बहुत ये सॉगी चावल है चलें गुड आप डिश आउट करें सो हमारी फाइनली अली रहमान की पर्ची बिरयानी भी आ गई है हमारे सामने सो आ जाए जनाब जो दो लोग आ जाए दोनों आप दोनों अली की पार्टी नहीं एक आप आ जाए आप अली आप और एक इधर से आ जाए एक हरीम की पार्टी आप हरीम की पार्टी में से आ जाए आ जाए दो लोग आ जाए भाग के आ जाए इसको दम होने नहीं बैठने देना तो टाइम नहीं रह गया कि हम इसको दम दें पहले मैं एसेंशियल्स तो ऐड करूं ना ओके गार्निशिंग रह गई गार्निशिंग तो रह गई है ना ग्रेट और थोड़ी ये लौंग अभी मेरी पे भी डाल दूं अच्छा जी बस कर दें यानी आइए सामने आइए
प्लीज सामने सामने बिल्कुल यहाँ पे आप सामने आके टेस्ट करें और देखें टेस्ट करें आइए दोनों आइए देखें होता है क्या दोनों चखेंगे बिरयानी और आप लोग वोट देंगे सीधा मुंह उस तरफ करेंगे उस तरफ को टर्न करेंगे उस तरफ को टर्न करें यस नाउ टेस्ट इट टेस्ट इट चलें इतना डर ही हाथ कांप रहे चलें टेस्ट करें उधर आपने कैमरे को बताना है कि क्या है कैसा है अच्छी है मतलब ये अच्छी कहने का तरीका अच्छी का मतलब होता है अच्छी है गुड और ये कैसी है अच्छा चले जी अब ये अली की चखें बिरयानी मसाला अच्छा है अच्छा और अली वाला कैसा है अच्छा अली की वाली मैं भी ना सही तरह करके देखूं हरीम की बिरयानी ज्यादा अच्छी है अली की गुड ये ज्यादा अच्छी है अली आप बताएं किसकी बिरयानी ज्यादा अच्छी है ये बाकी बेहतर है ये वा मेरी वाली आप भी यही चखिए ताकि किसी को कोई इशू ना रह जाए मेरी बड़ी अच्छी बिरयानी है आई मस्ट से इट्स गुड बट लेट्स सी हरीम की बिरयानी से मुझे हार्ट बर्न हो रहा है हरीम की बिरयानी अच्छी है अच्छा जी हम शुरू करें अब इससे पहले कि बहुत सारी और बातें आप लोगों की सेंस कितनी अच्छी है और दोनों की केमिस्ट्री कितनी मिलती है लेट्स हैव अ टेस्ट हमने कुछ कॉमेडी जिसे कहते हैं फिल्म्स सोशल मीडिया पे जो हिट्स होती है हमने वो निकाली है इमेजिन करें कि अगर मैं आपका हीरो होता तो जो कि साधु संत फकीर है बाबे पहुंचे बाबे हैं ये बैरा मिल रहा है ये किसी और का क्या कहने क्या कहने बहुत ग्रेसफुल आदमी है माशाल्लाह माशाल्लाह जी इमेजिन हाय इमेजिन आप सा हरीम जी बाबे की पर्ची कब निकलेगी वो कह रही है बाबे की पर्ची कट गई है तो मुझे बताया ही नहीं मैं रेडी तो हो लेता ये माशाल्लाह तो पर्ची आ रही है जी, जी, वैसे मैं बड़ा खुश हूँ कि इस दफा कराची में सिनेमा में पर्ची चलेगी वरना नहीं तो दुकानों पे चल रही थी हर ताजर रोज टीवी पे बैठ के कह रहा होता था पर्ची आई है क्या करें कारोबार ठुस है लेकिन अब माशाल्लाह से ठीक है भाईजान माशाल्लाह बड़े ग्रेसफुल आ बिल्कुल 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 माशाल्लाह आप बड़े ग्रेसफुल हैं थैंक यू जितनी बड़ी आपकी मूंछें हैं ना मेरे मोटरसाइकिल का हैंडल हेड है बड़े प्यारे लग रहे हैं थैंक यू मुगलों के दौर में ना ऐसी तस्वीरें लगी होती थी राजा इंद्र कुमार सिंह सिंस 1836 और बंदूकें अच्छा। भी आप लोग की तरह ना आप लोग के हां इंद्र गरीबा नु हमेशा बंदूक बजी है ओ तुसी ते वट देते ते और निकल गए है कि नहीं माशाल्लाह और सुनाए कैसी है पर्ची इंशाल्लाह हिट होगी इंशाल्लाह अच्छा Imagine, ये तो आपने बताया नहीं कि इमेजिन करना क्या है इमेजिन करना क्या है इमेजिन ये है कि इसमें अगर वो बात हो रही थी कि अगर एक दोनों साथ हो जाए तो किस तरह की लाइफ होगी ये यानी ये इमेजिन करना है कि दोनों साथ हो जाए ये सही इमेजिन सॉरी भाई
اعتراض نہ کرنا نہیں نہیں بالکل نہیں صرف امیجن کرنا ہے امیجن کرنا ہے یعنی حقیقت والے کا کوئی تعلق نہیں کتنے افسوس کی بات ہے کیوں میرے خوابوں میں آتی ہوں کیا معصومیت ہے پڑھی لکھی ہے نا پڑھی لکھی بیوی ہوئے اگر کسی بڑی گل پہ ناراض ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ امیجن پڑھے لکھے بیوی اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ناراض ہونا تو کسی بڑی بات پہ ہوتی ہے آپ نے مجھے ڈائمنڈ کا سیٹ نہیں نہ لے کے دیا اوکے اب میں آپ کے ساتھ ناراض ہوں میرے ساتھ نہ بولنا اوکے چلے جاؤ یہاں سے میری بیوی اللہ معافی دے تو میں نے نوی پیٹی نہیں نہ لایا کے دیتا میری اما نے چار رضائیاں دیتی سن انہوں نے کیڑے لگ گئے دیکھ ذرا دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے سامنے جو کہ سادھو سنت فقیر شاپ نکالنے جاتے ہیں بابے جب بھی جس بھی پروگرام میں جاتے ہیں جس بھی شو میں جاتے ہیں تو جو کہ شاپ نکال کے دکھاتے ہیں واہ 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 کیا کہنے پٹاری کو دیکھیں ذرا کیا بات امیجن کن یقین کریں جیسے آپ مسکراتی ہیں نا لگتا ہے کراچی کا چکر لا کے اتنا لمبا رہا اور جوتا بھی آپ کا بہت اچھا ہے ماشاء اللہ بابا جی کیا نظر پائی ہے آپ نے کیا نظر پائی ہے بابے نظروں سے نہیں دل کی نظروں سے بھی دیکھ رہے ہیں واہ 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 کیا بات ہے بابے دیکھیں ذرا میرا کمینہ پن چیک کر واہ 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 شام سے ڈر تو نہیں لگتا شام سے تھوڑا اس میں سانپ ہے اصل میں اصل میں چلے نہیں دکھائے ایسے لگتا تو ہے لگتا تو ہے ڈر تو لگتا ہے ایسے ایسے کیا کرتے ہیں یہ گریجویٹ ہے نا اچھا چھوٹی تو بغیر نہیں چلتا جو کہ سادھو سنت فقیر ہے بابے پہنچے بابے ہیں واہ 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 سیانے کہتے ہیں کہ سپنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں یعنی گلے میں باہیں ڈال لیں سپنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر چھڑ نہ جاواں کیا بات تو دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں آپ کو راشدہ پروین اور شمائلہ نورین کا سلام ویسے کیا بھائی کتنے خوبصورت اچھا ویسے ایک چیز ہے ان کے کانوں کی مندری اور آپ کے کانوں کی مندری بڑی ملتی ہے اچھا ارے نہیں انہوں نے مہنگی پائی میں تو سٹھا نہیں لیا ایسے بندے کی شادی ہو جائے نا تو اپنے دوست کو مل کے کہہ رہے ہوں دیں وہ یار وہ جو لڑکی نہیں تھی جو کلاس میں سب کی بڑی پٹائی کرتی تھی ہاں وہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد بھی نہیں بدلی دیکھیں ذرا جو کہ سادھو سنت فقیر شانپ نکالنے جا رہے ہیں اگر ہرین فروخت نے کہہ ہی دیا ہے کہ شانپ نکالیں تو بابے ضرور نکالیں گے بابا چھپا پترا ذرا تیار ہو جا پرچی آئی ہے پرچی اور پرچیاں تینوں پتا ہے آج کل کیسی ہیں چل نہیں ہے واہ 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 یہ چٹپن چوڑ چپن چٹپن تم تڑاک شو چڑاک یہ دگڑتا 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 کرتی تھا ہری بوتلا ہری بوتلا سوتیاں بوتلا یہ کل سننی مل پوت پات مل تربت سننا رل مل کے سب رہنے گئے پچھل جم پنا ترک تو رکھ دینی جنڈے شاہ بھائی تو رکھ دینی جنڈے شاہ دا ترکٹ دا دا ترکٹ دا دا ترکٹ آ یہ کلو کلو جوش کلو بھائی دور جمالی کالا تتر چٹا تتر لنگور یہ ہٹ کٹوری چو پیالا کالا تتر مفرور بھائی داگڑ دا داگڑ دا داگڑ دا کر دن تا آ شام نکلا ہے نہیں یہ پرچی نکلی ہے یہ ہاں یہ تو پرچی بنا رہے ہیں نا فلم ہاں پاکستان میں اس وقت یہ عالم ہے کہ پرچیاں بہت ساری چل رہی ہیں ٹھیک ہے یس کسی تھانے میں چلے جائیں کسی کے چہرے میں چلے جائیں جہاں بھی چلے جائیں شریف بندہ پناہ کھلوتا ہوں نا تو پرچی لگ جاندی ہے کہ نہیں بالکل ہے کہ نہیں اتنے وظیفے پڑھنے کے بعد پرچی نکلی ہے ہاں اتنے وظیفے پڑھنے تو بعد پرچی نکلا یہ شکر کرو نہیں تو میرا تو کدی نام نہیں باؤنڈ نہیں نکلے ویری گڈ بابا جی کیا بات ہے آپ کی بھی کیا بات ہے کیا آپ اہل نظر اہل ذوق قسم کے بابے ہیں واہ 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 مہربانی یہ گلے کبھی میری بیوی نے بھی سمجھ آ جائے نا
बहुत मेहरबानी। कल सब्जी वाली दुकान पे कोलो लंगे यार, सब्जी वाली शॉप थी ना उसके आगे से गुजरे तो मुझे कहती मटर ले लो, मैंने कहा ले लो, कहती पूछ नहीं रही, मैं पूछ रही हूँ कट लेगा। ताजुब है कि सीने में जहाँ दिल था वहाँ तुम हो। क्या बात है, क्या बात है। वैसे मुहावरे तो आए नहीं हमारे हीरो को, तो शेर तो समझ आ गए होंगे। हाँ, समझ आ गए, समझ आ गए। एंजॉय करते हैं पोइट्री, म्यूजिक, कभी कभी थोड़ा रोमांटिसिज्म कभी कभी। तो जब आप रोमांटिक मूड में जाते हैं तो क्या करते हैं, गाने वाने सुनते हैं कोई सेल्फी रह गई थी ना, आ जाए जरा दिनों माशाल्लाह बड़े बड़े सस्ता मोबाइल लेते आ जाते चले। अच्छा हम वापस आते हैं और पर्ची के हवाले से अब मैंने आपको दिखानी है कुछ ऐसी खूबसूरत कॉमेडी मूवीज, छोटी छोटी फिल्म, जिसमें आप लोग गेस करेंगे कि आगे क्या होने वाला है, आर्टिस्टिक सेंस आपकी क्या कहती है। ओके, सो पहली जो हम देखेंगे एक नजर इस मूवी को वो ये, तो क्या लगता है आपको गिरेगा नहीं, इससे बताना है थम्स अप या थम्स डाउन कि ये गिरेगा। गिरेगा थम्स अप है, और अगर आपको लगेगा ये गिरेगा तो थम्स डाउन है, और अगर ये सही कर लेगा तो ग्रीन थम्स है। तो क्या लगता है, सही करेगा तो ठीक है, सही गिरना तो सही करना है इसमें, नहीं गिरना एज इन गिरेगा या पानी में गिरेगा। हाँ, मतलब ये सही तरह से स्विंग करता रहेगा, पानी में नहीं गिरेगा। आई थिंक इसका ये होगा, हां ये होगा, लेट्स सी। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अच्छा जी, ये अगेन उसी तरह का एक एडवेंचर हो रहा है, नहीं होगा, मुझे लगता है कि कर लेगा। ओके, लेट्स सी। अच्छा जी, मैं हार गई। ये रिंग, आपके ख्याल में इस रिंग में से वो जिमनास्ट जो है वो गुजर जाएगा? नहीं नहीं, गुजर जाएगा। मैं अब अली को फॉलो करूंगी। ओह अली, हाउ कैन यू जस्ट, एंगल ही खराब था उसका। अच्छा, उसका एंगल ही ठीक नहीं था जी। नेक्स्ट चलाएं, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या होगा, आपको क्या लगता है कि ओ ये बच जाएगा, इसकी ये बच जाएगा, बच जाएगा। क्यों? अच्छा, एक सेकंड के बेसिस पे, हाउ इज इट बच जाएगा, ये इस तरह स्लाइड कर रहा है ना, स्लाइड करते करते लॉस्ट इज बैलेंस, बट ही हैजंट लॉस्ट इट कंप्लीटली, बट ही लॉस्ट इज बैलेंस। ओके, लेट्स सी क्या बनता है ये, सी वाह। एक और देखते हैं ताकि हम यहां पे क्या बनने वाला है। ये तुझे देखा हुआ है, शक्ल से लग रहा है कि फेल होगा, इसकी शक्ल से लग रहा है कि गाड़ी से हिट कर देगी, इसके बाल देखें, रेडी नहीं है ये, गाड़ी हिट कर देगी। हाँ हाँ, आपको भी लग रहा है? ओ सॉरी, ये मैं गाड़ी हिट नहीं करेगी, मेरी गाड़ी हिट कर देगी, ये फेल हो जाएगा। ओके चलें देखते हैं। ओ व्हाट डिड आई से, वाह, आई गिव यू चांसेस। आप लोगों को एक दूसरे से इंस्पिरेशन खासी मिलती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या चीज है, यहाँ पे क्या होने वाला है, प्ले करें। हम सब ने सबसे ज्यादा इंट्यूटिव कह सकते हैं इसको अली, ये जो आप एज्यूम कर सकते हो या जज कर सकते हो कि नहीं, ये एक्शन इसका तो नहीं, बस वैसे ही बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन आपकी इतनी अच्छी है कि एंगल्स, ऑब्जर्वेशंस, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, एथलेटिसिज्म, और क्लास में मैंने मौका दिया है इसको ठीक करने का। सही, सो एथलेटिक रहे आप जमाने में, कभी कभार आपको कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, नहीं करना चाहिए, कभी कभार जो लोग नहीं लगते वो भी कर जाते हैं। ठीक है, सो ग्रेट, चलिए ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपसे मिल रहे हैं, डोंट फॉरगेट।
خوش آمدید آپ کو 2018 بہت بہت مبارک ہو اور آپ کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں اور دعائیں جو کچھ آپ اس سال کے لیے چاہیں آپ کو اللہ کرے کہ وہ سب کچھ ملے اور یہ نیا سال ہم سب لوگوں کے لیے پاکستان کے لیے ایز نیشن ہم سب لوگوں کے لیے بھلے ہم کہیں بھی دنیا میں اس وقت بس رہے ہیں ایک خوشیوں کا سال ہو امن کا سال ہو سکون کا سال ہو اس سال ہمیں اچھی اچھی خبریں سننے کو ملیں ہم خوشحالی ترقی کی خوشی کی سکون کی خبریں سنیں آج آپ سے مل رہے ہیں سو حریم فاروق اور علی رحمان آج دونوں ہمارے مہمان تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس تھینک یو فار تھینک یو فار ہیونگ اس ایک ایک پرچی جو ہے وہ آپ لوگوں نے نکالنی ہے اپنے پاس سے یہ نکال کے آپ نے اس پرچی کو ایکٹ کرنا ہے آپ کی پرچی کیا کہتی ہے آپ نے وہ ایکٹ کر کے حریم کو بتانا ہے میں حریم جانیں گی بوجھیں گی کہ پرچی پہ کیا نکلا آپ نے دیکھ لیا ایک سیکنڈ ٹھیک ہے یہ کیمرہ بھی دیکھ لے کہ یہ پرچی نکلی ہے علی کی اور علی اب یہ ایکٹ کریں گے سچویشن اور حریم گیس کریں گی کہ کیا پرچی ہے ان کے پاس چلیں ہیں اچھا اس اتنا لمبا ہاں پتہ نہیں کر پائے گی کہ نہیں واٹ از اٹ چلیں سارا کچھ فون آیا تھا آپ کو سہیل صاحب کا میں ادنان جی سر کالج کی ہے ڈگری گریجویشن کیا سچویشن سفارش جی سفارش کس چیز کے لیے جاب کے لیے ویری گڈ آپ یہیں پہ اپنے کیمرے کو دکھا دیں گی تاکہ کیمرا جو ہے وہ اس پرچی کو دیکھ سکے اچھا ٹھیک ہے اب آپ نے یہ پرچی چلانی ہے ٹھیک ہے یہ بحث کرنی ہے میں نے بحث کرنی ہے اوکے چلیں تو وہ تو یو شوڈ نو کہ کیا بحث کرنی ہے پتا چل جائے گا بجلی کا بل زیادہ آ گیا کیا وہ بحث کرنی ہے مجھے اس بات پہ تم سے اچھا ہاں تو آگے تو 24 گھنٹے اے سی آن کر کے بیٹھے رہتے ہو ہاں ہاں تو میں کروں گا بل کون دے گا آپ نے گیس کرنا ہے وہ کس چیز کی پرچی تھی اچھا سچویشن جو ہے سچویشن کیا ہے 24 گھنٹے اے سی آن رہتا ہے تمہارا تم کمپلین کر رہی ہو کہ میں بہت زیادہ اے سی استعمال کر رہا ہوں مان لیں گے ہم بجلی کا بل زیادہ آیا ہے وہ بحث کر رہی ہیں آپ سے ٹھیک ہے اچھا یہ پرچی آپ کی نکلی ہے پڑھ لی کیمرے نے دیکھ لی یہ کیا ہے گینگسٹر ڈن ڈن اوکے جی اب آپ نے یہ سچویشن حریم کو سمجھانی ہے پرچی آئی ہے دوبارہ پڑھنے تھے اوکے مجھے لگتا ہے علی بہت ڈیٹیل میں اسکرپٹ پڑھتے ہیں بڑا ٹائم لیتے ہیں ہے نا نو میری فورن پورا اندر جا کے نا پورا سارا کر کے ہاں پورا ڈیٹیل اینڈ دین یہ لائن نہیں بولنی اچھا اچھا ہاں ڈن چلیں ہاں بھائی بننے کے لیے آیا ہوں بننے کے لیے وہ کل رات کو پکڑا تھا نا آپ نے اس کو دکان پہ اس کیا پرچی منڈے ہو منڈے کو لینے آیا ہوں مافیا ہو منڈے کو واپس لینے آیا ہوں آپ نے پولیس اسٹیشن میں آیا ہوں منڈے ہو اپنے بندے کو پولیس اسٹیشن سے واپس لینے آیا ہوں ویری گڈ گڈ گیس حریم کی پرچی حریم کیمرے کو دکھا دیں کہ کیا سچویشن ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی ایک پرچی آئی ہے اور آپ نے اس کو ایکٹ آؤٹ کرنا ہے تاکہ علی رحمان گیس کر سکے کہ سچویشن کیا ہے ڈن سو اچھا یہ میرے لیے نہیں ہے وہ آئے جو تھے ان کے ساتھ جو کھڑی تھی نا پیچھے وہ آپ کے لیے دیکھ گئی ہیں ان کو کال کر لیے گا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کافی دیر سے گھور رہی تھیں آپ کو کسی لڑکی نے مجھے اپنا نمبر دیا ہے
तुम्हें मेरे लिए अपना मुझे किसी लड़की ने ये नंबर पे आप कॉल कर लिएगा, इन्होंने मुझे नहीं दिया बिल्कुल भी नहीं जो ये साथ प्रिटेंड कर रही हो कि बेसिकली किसी लड़की ने तुम अपना पर्ची मुझे देना चाह रही हो मगर प्रिटेंड कर रही हो किसी और ने दिया सॉर्ट ऑफ या सॉर्ट ऑफ बेसिकली भाई ने गुड गेस गुड गेस आप दोनों समझा लेते हो एक दूसरे को अपनी लैंग्वेज में एक्शंस में थैंक यू वंडरफुल हैविंग यू 2018 बहुत-बहुत मुबारक हो आई विश कि ये पर्ची के लिए आप लोगों के लिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक शानदार साल हो और आपकी फिल्म के अच्छे बिजनेस से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की अच्छी फिल्म बिजनेस का एक नया साल जो है वो शुरू हो इंशाल्लाह सो वंडरफुल हैविंग यू थैंक यू सो मच और आपको हम कहेंगे हैप्पी 2018 आपके लिए बहुत खूबसूरत साल हो अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा लेट्स हैव अ वंडरफुल ईयर एंड मेक इट अ न्यू ईयर अपने लिए अपने घर वालों के लिए और अपने मुल्क के लिए और इजाजत चाहूंगी आपसे एक खूबसूरत सा म्यूजिक